इसमें एक बार में 40 रॉकेट लोड होते हैं जो 20 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं। इन धमाकों की गूंज से दुश्मन का खून सूख जाता है। भारतीय सेना की ये ताकत कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें। आज हम आपको भारतीय सेना का तोपखाना बेहद करीब से दिखाएंगे। ये तोपखाना है महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली में। भारतीय सेना के इस तोपखाने में मौजूद हर हथियार के दर्शन आज आपको होंगे और उनकी तूफानी फायरिंग भी आप देखेंगे। आज गनर्स डे पर भारतीय सेना ने दी धुआंधार बधाई और इशारों इशारों में दुश्मनों को दे दिया बड़ा संदेश। लेकिन आपको एक बार फिर चेतावनी दे देते हैं कि भारत के दुश्मन इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। भारतीय सेना मुख्यतः तीन तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करती है, ग्रैड, पिनाका और स्मर्श। ग्रैड और स्मर्श रूस से खरीदे गए हैं, लेकिन पिनाका को भारत में ही बनाया गया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खासियत ये होती है कि ये दूरी से बहुत तेज फायरिंग करके बहुत तेज गोलाबारी से दुश्मन को दबा देता है। ये ग्रैड सिस्टम है जो रूस से खरीदा गया है। 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसमें एक बार में 40 रॉकेट लोड होते हैं जो 20 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं। 105 मिलीमीटर की ये इंडियन फील्ड गन भारतीय तोपखाने में सबसे हल्की तोप है। वजन लगभग 3.5 टन के आसपास है। रेंज 17 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्ट फायर में इसकी रेंज तकरीबन 1 किलोमीटर होती है। लेकिन 105 मिलीमीटर का ये राउंड 1 किलोमीटर की दूरी से किसी भी टैंक को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जब भी टैंक आगे बढ़ते हैं तो उनको इंगेज करने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी से ये बहुत कारगर हथियार है। बहुत हल्की है, इसलिए पहाड़ों पर चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, वहाँ पर इस गन को ले जाना और इसको कार्रवाई के लिए तैयार करना, कार्रवाई करना बहुत आसान है। इस समय ये गन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की सरहद पर भी तैनात है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन की सरहद पर पूर्वी लद्दाख में भी ये तोप तैनात है। अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय तोपखाने की सबसे नई, सबसे असरदार, सबसे कारगर तोप। ये है M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर। अल्ट्रा लाइट इसलिए क्योंकि इसका वजन केवल 4.5 टन है और इसलिए इसको हेलीकॉप्टर्स से जहां चाहे वहां बहुत कम वक्त में ले जाया जा सकता है, इसको तैनात किया जा सकता है। 155 मिलीमीटर का कैलिबर है, यानी वही कैलिबर जो बोफोर्स का होता है। राउंड 30 से 35 किलोमीटर तक जाता है और तबाही ज़बरदस्त। अब हम आपको जिस गन से परिचित कराएंगे, दरअसल उससे भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। यह है बोफोर्स, जिसे इस देश ने पहली बार 1999 में करगिल की लड़ाई में अपने घर के ड्राइंग रूम में टेलीविजन पर दुश्मन पर आग बरसाते देखा था। 155 mm कैलिबर, 30 से 35 किलोमीटर रेंज, निशाना अचूक। दरअसल ये गन इतने हाई एंगल पर फायर करती है कि ऊंचे पहाड़ों के लिए इससे अच्छी कोई आर्टिलरी गन नहीं है। और दरअसल इसी आर्टिलरी गन ने 1999 में करगिल की लड़ाई में अपना जौहर दिखाया। ऑटोमेटिक है, शूट एंड स्कूट, यानी एक बार फायर करने के बाद ये अपनी जगह बदल देती है, जिससे दुश्मन को गन लोकेटिंग रडार जो दुश्मन के होते हैं वो इसको लोकेट नहीं कर पाते और जवाबी फायर दुश्मन की तरफ से नहीं आ पाता। भारतीय सेना के तोपखाने में 105 mm, 122 mm, 130 mm और 155 mm की तोपें हैं। हाल के दिनों में 155 mm की वज और M777 अल्ट्रालाइट होविट्ज़र तोपखाने में शामिल की गई। इससे पहले 155 mm की गन केवल बोफोर्स होती थी। अब जो भी नई गन आएंगी, जैसे धनुष और ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, वो सब 155 mm की ही रखी जा रही है।
इसके पीछे सोच ये है कि 155 एम की गन न केवल बहुत ज़्यादा फायर पावर देती हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं, बल्कि एक जैसे कैलिवर का एमनिशन सप्लाई करने में आसानी होती है। 194 साल का भारतीय तोपखाना लगातार आधुनिक होता जा रहा है। भारतीय सेना के तोपखाने का इज्जत और इकबाल बुलंदी पर है।